ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संगीता यादव के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा बालासोर ट्रेन हादसा के स्थिति के जायजा लेबर आज दुर्घटना स्थल पहुंचिन। अस्पताल में भर्ती घायल लोगन मन ले करीन मुलाकात। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तीसरा और आखिरी दिन आज देश विदेश ले आए आने आने मंडली मन हा दिन आकर्षक प्रस्तुति। और आज राष्ट्रीय साइकिल दिवस के मौका में राजधानी रायपुर संग प्रदेश के आने आने जगह मन में साइकिल रैली निकालेगी। अब समाचार विस्तार ले। ओडिशा के बालेश्वर जिला में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना में अब तक 261 लोगन के मौत हो गई। उन्हें लगभग 900 लोगन के गंभीर रूप ले घायल होए के आशंका है। ये दुर्घटना काली संध्या 7 बजे हुई जब सालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन में एक थीन मालगाड़ी ले टकराए के बाद पलट गई। एकर कुछ मिनट बाद ही इही जगह में बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन घलो पटरी ले उतर गई। हादसा के बाद दुर्घटना स्थल में बचाव और राहत कार्य जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा बालासोर ट्रेन हादसा के स्थिति के जायजा लेबर आज दुर्घटना स्थल पहुंचीन। ओमन कटक के SCB अस्पताल के दौरा करीन और हादसा में घायल लोगन मन ले मुलाकात करीन। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हा दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हा दुर्घटना में दुख जताये है और घायल मन के जल्दी स्वस्थ होए के कामना करे है। उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आज बिहनिया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ले दूरभाष में चर्चा करें और ट्रेन हादसा में दुख जतात मृत लोगन के परिजन के प्रति अपन संवेदना जतायें। मुख्यमंत्री श्री बघेल हा श्री पटनायक ले कहें कि छत्तीसगढ़ कोती ले ओडिशा ला हर संभव मदद दे जाही। श्री बघेल हा घायल मन के जल्दी स्वास्थ्य लाभ कामना करे है। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हा घलो ट्रेन हादसा में मृत लोगन के प्रति अपन संवेदना जतायें और कहें कि भाजपा हा शोक में बुढ़े परिवार के संगे है। इसी बीच प्रदेश भाजपा हा आज के अपन सबो कार्यक्रम ला रद्द कर दे है। रायगढ़ नगर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तीसरा और आखिरी दिन आज देश विदेश ले आए आने आने मंडली मन हा आकर्षक प्रस्तुति दिन। केरल ले आए कलाकार मन हा पारंपरिक वेशभूषा में रामकथा ले जुड़े प्रसंग सुर्पनखा प्रसंग और रावण वध के संग भगवान राम के सुंदर अभिव्यक्ति दिन। उन्हें उत्तर प्रदेश ले आए रामायण मंडली हा अरण्यकांड ऊपर प्रस्तुति दिन। अंतिम दिन आज संझा केलो नदी तीर में महाआरती और दीपदान के कार्यक्रम होही। एकर बाद कवि कुमार विश्वास रामकथा कही और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के भजन मन की प्रस्तुति होही। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कम्बोडिया और इंडोनेशिया संग देश के 12 राज्य के मंडली मन में रामायण के आने आने प्रसंग ऊपर प्रस्तुति देवत है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF डहर ले देशभर के अलग अलग जगह मन में योग शिविर आयोजित करे जात है। इसी कड़ी में आज जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर परिसर ले साइकिल रैली निकालेगी। एमा CRPF के उप पुलिस महानिरीक्षक हरजिंदर सिंह, CRPF के उप कमांडेंट अमरजीत गुप्ता, कमांड अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और विधायक रेखचंद जैन संग पुलिस जवान और आम नागरिक शामिल हुए। खबर के मुताबिक योग दिवस के मौका में CRPF डहर ले 27 मई ले देश भर में योग शिविर के आयोजन करे जाते जौन 21 जून तक चलही। आज राष्ट्रीय साइकिल दिवस हराए ये मौका में राजधानी रायपुर संग प्रदेश के आने आने जगह मन में साइकिल रैली निकालेगी। दुर्ग जिला के रिसाली में आयोजित साइकिल रैली में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। ए मौका में उमनहा लोगन ले आवाहन करे है कि स्वस्थ रहे और पर्यावरण ला संरक्षित करे बर साइकिल रैली के उपयोग कम दूरी में अवई जवई बर करे। ए रैली में लैका युवा और सियान बड़का संख्या में शामिल हुए। सुकमा जिला में आज हुए मुठभेड़ में पुलिस हा 3 ले 4 जिन माओवादी के घायल हुए के दावा करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान हा बतायन की रेगड़गट्टा इलाका के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम हा सर्चिंग अभियान पर निकले रही। इस दौरान भेज्जी और एर्राबोर के जंगल में घात लगा के बैठे माओवादी मन हा पुलिस ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवान मंडहार ले करेगे जवाबी कार्रवाई में 3 ले 4 जिन माओवादी के घायल होए के खबर है। एकर बाद माओवादी मन अपन घायल साथी ला लेके जंगल कोती भाग गिन। उहे इही जिला के भेज्जी इलाका में 3 माओवादी मन हा पुलिस के आगू आत्मसमर्पण कर दिन। ए माओवादी मन हा पुलिस डहार ले चलाये जात पुना नरकोम अभियान के तहत CRPF के 219 बटालियन और DRG के जवान मन के आगू आत्मसमर्पण करीन। एकर मन ऊपर आने आने माओवादी घटना में शामिल होए के आरोप है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
करके खबर लेहे आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लेहे हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आप आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मन के बैठका प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में आयोजित करेगी। बैठका में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार्यकर्ता मन ले कहिन कि अवैया विधानसभा चुनाव ला देखत एकजुट होके काम करे। उमन केन्द्र के NDA सरकार डहर ले 9 बच्छर के दौरान करेगे काम ला जन जन तक पहुंचाए बर कहिन। बैठका ला प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा घलो संबोधित करें। उन्हें रायपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के बैठका अवैया कार्यक्रम के रूपरेखा तय करेगी। बैठका में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहें कि पार्टी डहार ले आदिवासी महानायक शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह जैसन महान बलिदानी मन के त्याग ला सुरता करत पुरखौती सम्मान यात्रा निकाले जाही। एकर माध्यम ले भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाके लोगन ला पार्टी के रीति नीति ले अवगत कराही। मिशन लाइफ पर्यावरण मा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के संदेश देबर कोंडागांव जिला के बांधा तरिया मा स्वच्छता अभियान के शुरुआत करेगे हे। ए अभियान मा जिला कलेक्टर घलो शामिल होइन और ओमनहा लोगन के संग मिल के तालाब के तीर मा साफ सफाई करिन। ए दौरान ओमनहा लोगन ले पानी के स्रोत के तीर ला साफ सुथरा रखे के अपील करिन। ए अभियान मा अधिकारी और कर्मचारी के संगे संग NSS NCC कैडेट और भूतपूर्व सैनिक मन घलो भाग लेन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय में आम और उप निर्वाचन पर कार्यक्रम जारी कर दे गये है। ए बारे में काली आयुक्त ठाकुर रामसिंह और सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले जम्मू रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी मन के बैठका लेके उमल्ला जरूरी निर्देश दें। खबर के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के आम और उप चुनाव पर काली ले नामांकन पत्र दाखिल करे के प्रक्रिया शुरू हो गई है जोनहा 9 जून तक चलही। कांकेर जिला के बिहावा पारा में पाछू रतिया अज्ञात लोगन मनहा घर में सोवत पति पत्नी ऊपर हमला कर दिन। ए हमला में पति के तुरते मौत हो गये, उन्हें गंभीर रूप ले घायल पत्नी ला घायल हो गये, जिला रायपुर में रेफर करे गये। सुनैया मल्ला बता दें कि काली इतवार के हल्बी और गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करे जाही। ए दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर ले प्रसारित करे जाही। एला बस्तर संभाग में सुने जा सकी। हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन बिहनिया 7:30 बजे ले और गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन संझा 6:30 बजे ले प्रसारित होही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहार ले जिले की चिट्ठी कार्यक्रम के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक ले होही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ी के जम्मू आकाशवाणी केंद्र मन मा एक के संग रिले करही। ए बखत के अंक मा दंतेवाड़ा के गतिविधि के बारे में जानकारी दे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर ट्रेन हादसा के स्थिति के जायजा लेबर आज दुर्घटना स्थल पहुंची। अस्पताल में भर्ती घायल लोगन मन ले करीन मुलाकात। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तीसरा और आखिरी दिन आज देश विदेश ले आए आने आने मंडली मन दिन आकर्षक प्रस्तुति। और आज राष्ट्रीय साइकिल दिवस के मौका में राजधानी रायपुर संग प्रदेश के आने आने जगह मन में साइकिल रैली निकालेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।